कैसे बच्चों, क्या चल रहा है? सब पढ़ाई कर रहा है ना? बढ़िया से है ना? तो पढ़िए, सारा वीडियो लाइन बाय लाइन मिल ही रहा, पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? एक भी टॉपिक छोड़ नहीं रहे, सारा न्यूमेरिकल के साथ सब जैसा क्लास में है, सब कुछ लेके चल रहे हैं, कोई टेंशन वाला बात नहीं है, पढ़ते रहिए, बिहार में मार दीजिए टॉप, है ना? तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करेंगे, थोड़ा रटने वाला है, उसके बाद न्यूमेरिकल भी करेंगे, बढ़िया टॉपिक है, बनाते हैं इसको इंटरेस्टिंग। तो आज का जो हम लोग क्लास करेंगे वो है क्लास नंबर 17। क्लास 17 होगा आज, क्लास 17 होगा, है ना? क्लास 17। और जो आज वो बच्चा पढ़ेगा जो इंग्लिश मीडियम से, तो इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बाकी चैप्टर जो चल रहा है पता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, एंड फील्ड्स, ठीक है? सो यहां पे आज क्लास 17 पढ़ेंगे, 16 में देखिए, 13, 14, 15, 16 में कूलम्स लॉ का बात हुआ है। तो जिसको पूरा डिटेल में कूलम्स लॉ चाहिए, तो 13, 14, 15, 16, आज भी 17 कुछ उसी टाइप का है, ये भी थोड़ा कूलम्स लॉ के बारे में बात होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कूलम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर दिलाएगा यही है ना, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इसी में से पूछ देगा, 2 मार्क्स का चाहे 1 मार्क्स का, ठीक है ना? और इसमें न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, तो न्यूमेरिकल अभी एक टॉपिक बचा हुआ है इसी में, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, तो उसी में से न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया बढ़िया पूछता है, तो वो सब बताएंगे अगले क्लास में, ठीक है ना? तो आज का जो टॉपिक है, समझते हैं आज क्या पढ़ना है हमको। आज का जो टॉपिक हो जाएगा लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, मतलब कि जो साइंटिस्ट कूलम था ना, कहीं पे गलती किया है, कहीं पे कुछ इसका कमी रह गया है, पब्लिक सब छोड़ा नहीं है उसको, बड़ी मार मारा है, काहे कमी रह गया है, कूलम्स लॉ में कुछ कमी रह गया है, कुछ लिमिटेशन रह गया, कुछ डिमेरिट है इसका, कुछ ड्रॉबैक है इसका, कुछ तो है, कूलम्स लॉ बड़ी बड़का गलती कर दिया ना, कुछ कमी रह गया इसका ना, जिसको हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है ना, कमी छोड़ता तो काहे के लिए पढ़ते, को टॉपिक है ना बढ़ा दिया। तो लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, तो जितना साइंटिस्ट सब देखते हैं पहले बनाता है, कुछ एक्सपेरिमेंट करेगा ना तो कमी छोड़ देगा, और जब कमी छोड़ देगा तो बैठ के पढ़ते रहिए, रदरफोर्ड देखिए रहा, ड्रॉबैक बोर मॉडल का ड्रॉबैक ये सब देखिए रहा, सब कमी छोड़ दे रहा। तो यहां पे लिमिटेशन मतलब हो गया कुछ इसका कमी कूलम्स लॉ में। तो क्या है लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, आज बताएंगे आपको। टोटल 3 गो है, 3 गो कमी छोड़ा था जिसके चलते कूलम बड़ी मार खाया,
तो क्या है वो कमी? तो पहले बोला क्या था वो तो समझिए, बोला क्या था ये तो समझिए। बोला था कि अगर दू गो चार्ज है, पॉइंट चार्ज, ठीक है, क्यू वन एंड क्यू टू, दोनों एकदम रेस्ट पे रहना चाहिए, रेस्ट मतलब हिलना नहीं चाहिए, दिस चार्ज शुड नॉट बी मूविंग, इफ इट मूव्स कहानी खत्म। अब कहानी खत्म हो गया, मूव मत करा दीजिएगा, मूव गलती से भी मत कराइएगा, दिस चार्ज शुड बी एट रेस्ट। व्हाई वी आर स्टडिंग क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज एट रेस्ट। तो यहां पे ध्यान से सुनिए, कूलम्ब बताया क्या कि इफ देयर आर टू चार्जेस क्यू वन एंड क्यू टू हैविंग डिस्टेंस आर बिटवीन देम, हैविंग डिस्टेंस आर बिटवीन देम, दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है, दूगो चार्ज है, पॉइंट चार्ज क्यू वन एंड क्यू टू, दूगो चार्ज है क्यू वन एंड क्यू टू, पॉइंट चार्ज है, ठीक है ना, पॉइंट चार्ज है, और ये दोनों एकदम ऐसे शांति से बैठा हुआ है, ठीक है ना, शांति से बैठा हुआ है, नॉट मूविंग, ठीक है ना, नॉट मूविंग। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता था, दैट इज 1/4 pi epsilon naught, या के भी कह सकते हैं, कूलम कांस्टेंट भी इसको कह सकते हैं, क्यू वन क्यू टू आर स्क्वायर, यही ना कूलम बताया था कि there are two charges having distance r between them, then the force between the charges will be this one. यही ना बात था जी, कुछ कमी छोड़ दिया, बड़ी मार मार पब्लिक हालत खराब कर दी है ना। तो चलिए, पहला इसका कमी क्या था, what was the drawback, what was the limitation, what was the demerit, क्या था, है ना, बात करते हैं। पहला इसका कमी था कि ये जो था कूलम्स लॉ, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है, एकदम छोटा छोटा चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, तो पहला इसका डिमेरिट था, सबके लिए होता तो खुशी का बात होता, इसके लिए होता तो खुशी का बात होता, इसके लिए भी कूलम्स लॉ लगा देते तो खुशी का बात होता, तो ये सब तो इसके लिए भी कूलम्स लॉ लग जाता, चार्ज है ये है तो लगा दीजिए कूलम्स लॉ, लेकिन नहीं लग पाता है ना, तो ये तो इसका कमी ना हो गया है, ये तो केवल पॉइंट चार्जेस के बीच में बात किया था, तो ये इसका कमी है ना है, यहां भी लग जाता कूलम्स लॉ तो कितना मजा आता है ना, तो नहीं लग पा रहा है जी, इसी के बीच में लग रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, पहला इसका हो गया डिमेरिट, इट इज ओनली एप्लीकेबल, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। चलिए आते हैं तो गहराई में ले जाते हैं, बाकी तो याद हो गया, पॉइंट चार्जेस के लिए थोड़ा गहराई में ले जाएं, ले जाते। देखिए मान लेते हैं कोई मेटल स्पेयर है, ठीक है, मान लेते हैं कोई मेटल स्पेयर है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, बांट दिया गया है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एकदम सेम, यूनिफॉर्म एवरीवेयर, यूनिफॉर्म एट द सरफेस ऑफ स्पेयर,
मतलब इसके सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हैं? ठीक ठीक ठीक। आ इसका कहीं सेंटर ये है। एक और स्पेयर लेते हैं, एक और स्पेयर लेते हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पे सारा सब प्लस चार्ज है, ठीक है। थोड़ा गहराई में जा रहे, बाकी तो यही काफी है, इतना ही लिख दीजिए तो काम बन गया, ठीक है ना। तो इसका सेंटर ये है। तो जब हम दूरी का बात करते हैं ना, तो दूरी का बात करते हैं दोनों के सेंटर्स आर से, ठीक है ना। ये है सेंटर। जब कूलम्ब और दो चार्जेस के बीच का दूरी का बात किया था तो हम कहां से लेते हैं, सेंटर से लेते हैं। अगर ऐसा कहानी हो गया, ऐसा चार्ज हो गया, ऐसा टाइप से चार्ज हो गया, तो देखिए क्या हो जाएगा। ऐसा टाइप का चार्जेस हो गया तो कूलम्ब लॉ नहीं लग पाता है, गलती सलती मिल जाता है कूलम्बिक लॉ, इलेक्ट्रिक फोल्ड सब गलती मिलेगा यहां पे लगाइएगा। तो कारण है, ध्यान से देखिएगा, ये जो प्लस चार्ज है ना, इसको रिपेल करेगा, ई वाला प्लस को रिपेल, भागो भागो सब यहां से। व्हाई? बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल इच अदर, देयर इज रिपल्सिव फोर्स बिटवीन पॉजिटिव चार्ज, इजंट इट, है कि नहीं है। तो यहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन हो रहा है। अच्छा, ये बात। तब रिपल्सन हुआ तो सर, रिपल्सन हुआ ना, तो जितना ये सब चार्ज था वो सब चला गया इधर में, इधर में पूरा चार्ज एकदम इधर लगा गया है, लोडेड एकदम इधर सब आ गया। इन अ सेम वे इधर वाला भी सब चार्ज जितना था भागा, ई वाला प्लस इधर भागा, ई वाला प्लस इधर भागा, तो सारा चार्ज भाग गया इधर में भाग गया, ठीक है ना। सारा चार्ज इधर में भाग गया दिस साइड, जिसके कारण जो है ना, आप रे इतना टेंशन, सारा चार्ज भाग गया उधर में, रिपल्सन हो गया, जिसके चलते जानते हैं क्या हुआ। जब सब इधर भाग गया तो इसका जो सेंटर था ना, तो वो भी खिसक के थोड़ा सा इधर आ जाएगा, इसका इफेक्टिव सेंटर जो है वो थोड़ा सा खिसक के, चार्ज भागा तो साथे साथे हमू भागेंगे, सेंटरों भाग गया, सेंटर भी खिसक गया इसका, और इन सेम वे इसका भी सेंटर खिसक गया। तो जब अब आप निकालिएगा कूलम्स लॉ से, तो डिस्टेंस तो कुछ और मिल जाएगा, पहले डिस्टेंस ये था लेकिन अब तो डिस्टेंस कुछ ज्यादा हो गया, जिसके चलते जो फोर्स कैलकुलेट कीजिएगा वो तो कुछ अलग है, कुछ अलग मिल जाएगा, गलती सलती मिल जाएगा, है ना। आप सोचते थे ये वाला, लेकिन कहानी हो गया है ये वाला। तो अब तो आप डिस्टेंस आपको ये लेना पड़ेगा, तो इसलिए इस सब के लिए एप्लीकेबल नहीं है, दुगो पॉइंट चार्ज के लिए बढ़िया बढ़िया से एकदम एप्लीकेबल है, दुगो पॉइंट चार्ज के लिए, इस सब के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहां पे डिस्टेंस में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कारण था कि इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज, तो उतना नहीं समझना है, गहराई मिलेगा। चलिए दूसरा इसका लिमिटेशन है, याद हो गया, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज, दुगो बिंदु, बड़का बड़का वाला दुगो बिंदु के लिए, दुगो बिंदु चार्ज के लिए, अच्छा ठीक सर, बड़का बड़का वाला के लिए ना 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 खिसकने ना लगेगा, सेंटर ना बदल जाएगा, दूरी ना बदल जाएगा, दूरी बदल जाएगा तो हम कैसे कूलम फोर्स निकाले, के क्यू वन क्यू टू बट्टा में आर स्क्वायर कैसे निकाले, सब कहानियां ना गड़बड़ हो जाएगा, नहीं एप्लीकेबल। समझ गया सर, ठीक बोले, पॉइंटे चार्ज होना चाहिए ना, बड़का बड़का ले लेंगे तब तो खिसकना स्टार्ट हुआ, सेंटर खिसक जाता है, वाह इतना बड़का प्रॉब्लम है, समझ गया। दूसरा का सुन लीजिए, दूसरा
कुल्लम फोर्स, कुल्लम जो बोला था Q1 Q2 के बीच में, कुल्लम क्या बोला था, कुल्लम यही ना बोला था कि दो चार्ज के बीच में पॉइंट चार्ज, जब चार्ज बोले तो अंडरस्टूड है पॉइंट चार्ज, ठीक है ना, चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, बिजली वाला फोर्स, एकदम बिजली वाला फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, दो चार्ज के बीच में बिजली वाला फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, इसी को कुलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, इसी को इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कुलम फोर्स कहते हैं, मतलब द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और यू वी कैन से कुलम्बिक फोर्स, राइट, ठीक है, दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, यही ना बिजली वाला फोर्स बोल रहे हैं हम, बोले हाँ, दो चार्ज के बीच में बिजली वाला फोर्स लगता है जी, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये बिजली वाला तब तक के लगेगा, ये बिजली वाला इलेक्ट्रिक फोर्स कहे तो तभी लगेगा जब तक ये दोनों रेस्ट पे है, जब तक ये दोनों रेस्ट पे है तभी ये, जब तक ये दोनों पॉइंट चार्ज रेस्ट पे है तब तक इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों के बीच में प्रोड्यूस होता है, वंस दिस चार्ज स्टार्ट्स मूविंग देन देयर विल बी वन मोर फोर्स, वंस दिस चार्ज स्टार्ट्स मूविंग देन देयर विल बी वन मोर फोर्स दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, और क्या क्या बोलते रहते हैं सर, तनी समझाइए, मतलब ध्यान से सुनिए, एगो चार्ज ई पॉइंट चार्ज ई, एक पॉइंट चार्ज ई, दो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज, ठीक सर, समझ में आ रहा है, पॉइंट चार्ज के लिए ना पहला लिमिटेशन था, हम बोले हाँ हाँ ठीक, पॉइंट चार्ज, अब इन दोनों पॉइंट चार्ज को एकदम शांति से ऐसे स्थिर बैठना है, एकदम हिलना नहीं चाहिए, अच्छा हिलना नहीं चाहिए, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस होता है, लेकिन जैसी चार्ज मूव करने लगता है, इधर उधर भागने लगता है, मेला में घूमेगा, सब चार्ज घूमने लगेगा, तो आपको बता दें कि मूविंग चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करता है, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करता है, बाद में चैप्टर नंबर देखिए तो फोर का नाम क्या लिखवा है, मूविंग चार्ज, मतलब बच्चा समझ गया, अच्छा चैप्टर नंबर चार्ज लिखवा है मूविंग चार्ज, मतलब मूविंग चार्ज में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स, बहुत बढ़िया सर, एक नंबर, यहां पे रेस्ट चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, और मूविंग चार्ज मतलब मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, तो देखिए अगर चार्ज मूव करने लगेगा, ये दोनों पॉइंट चार्ज मूव करने लगेगा, तो फिर तो एगो मैग्नेटिक फोर्स भी डेवलप हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, दुदुगो फोर्स ले, दुदुगो फोर्स, तो कुल्लम लॉ केवल इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए बात किया था, कुल्लम लॉ जो है केवल इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए बात किया है, इसके लिए बातें नहीं किया, अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक, केवल इसके लिए बात किया है, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए, इसके लिए बात नहीं किया है, तो अगर जब चार्ज मूव करने लगेगा तो फिर तो मैग्नेटिक फोर्स का भी बात होने लगेगा, तो बोला ना हम, कुल्लम बोला ना हम इसके बारे में बात किए हैं, हम इसके बारे में थोड़े बात किए हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स नॉट मैग्नेटिक फोर्स, इफ दिस चार्ज स्टार्ट मूविंग मीन्स देयर विल बी मैग्नेटिक फोर्स ऑल्सो, एंड अकॉर्डिंग टू कुल्लम्स लॉ देयर आर इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस,
मतलब दो गो चार्ज के बीच, कूलम्ब बस इतना बोला था कि दो गो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, ठीक है, लेकिन अगर ये चार्ज मूव करने लगेगा तो फिर मैग्नेटिक फोर्स भी प्रोड्यूस हुआ। तो ये केवल बात किया था, बोलिए किस चार्ज के लिए, कि चार्ज रेस्ट पे रहे तबे मेरा काम बनेगा, चार्ज रेस्ट पे रहे तबे मेरा काम बनेगा, चार्ज मूव करने लगेगा सब काम खराब। कहे कि जब चार्ज मूव करने लगे तो मैग्नेटिक फोर्स भी प्रोड्यूस होने लगता है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज ओनली, इट इज एप्लीकेबल फॉर कैसा चार्ज, ऐसा चार्ज जो रेस्ट पे हो। तो हम लिखेंगे दूसरा, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर, एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज, ठीक है, वो तो ठीक है पॉइंट चार्ज, लेकिन ये पॉइंट चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉइंट चार्ज एट रेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना सर। दो को याद हो गया, पहला पॉइंट चार्ज के लिए ये एप्लीकेबल है, और दूसरा वो पॉइंट चार्ज जो होना चाहिए एकदम ऐसे शांति में बैठा रहना चाहिए, अगर घूमेगा ना, घूमेगा तो पूरा दिक्कत हो जाएगा। हम बोले क्या दिक्कत होगा जी, सर मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा, तो कूलम तो मैग्नेटिक फोर्स का बात नहीं ना किया था सर, इलेक्ट्रिक के फोर्स का ना। हम बोले हाँ बहुत बढ़िया, तो पहले का पॉइंट चार्ज के लिए, दूसरा का पॉइंट चार्ज रेस्ट पे हो तब, तो ये केवल कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है पॉइंट चार्ज के लिए एंड पॉइंट चार्ज एट रेस्ट। तीसरा इसका कमी ये हो गया कि दो गो चार्ज के बीच जो कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 10 के माइनस 14, 10 के पावर माइनस 14, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे कम होगा सारा काम खराब, एक्सपेरिमेंटली देखा गया ना, वो नहीं है कूलम फोर्स। मतलब दो गो पॉइंट चार्ज के बीच कम से कम डिस्टेंस इतना होना चाहिए, इससे भी अगर कम हुआ ना कूलम फोर्स काम नहीं करेगा, वहां पे फिर न्यूक्लियर इंट्रैक्शन भी होने लगता है, तो वो सब छोड़िए ना, तो ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहां पे जब दो गो चार्ज के बीच में इससे भी अगर कम डिस्टेंस होगा तो फिर न्यूक्लियस का इंट्रैक्शन होने लगता है, ठीक है ना। तो यहां पे कूलम लॉ तभी अप्लाई कर सकते हैं, इट कैन बी अप्लाई ओनली व्हेन, इट कैन बी अप्लाई ओनली व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्ज कितना से कम नहीं होना चाहिए, सबसे इतना होना चाहिए, कम से कम दूरी, कम से कम दूरी इतना होना चाहिए, इससे भी कम हुआ, कम से कम दूरी इतना होना चाहिए, इससे कम नहीं हो सकता है, अगर इससे कम हो गया ना तो कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो तीसरा पॉइंट जो हो जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, टू पॉइंट चार्जेस शुड नॉट बी लेस देन 10 के पावर माइनस 14 मीटर। मतलब इससे दो पॉइंट चार्ज है और इनके बीच कम से कम दूरी ये होना चाहिए, इससे कम नहीं हो सकता है, इससे कम हो गया सब खेल खराब, कूलम लॉ नहीं लग पाएगा वहां पे, ठीक है ना सर, क्लियर हो गया। बोले का चीज लिमिटेशन कौन कौन, सर पहला पॉइंट चार्ज के लिए ही है, समझा दिए थे,
ठीक है, अगर बड़का बड़का रख देंगे तो सेंटर खिसक जाएगा। ठीक 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 दूसरका दूसरका सर, जो पॉइंट चार्ज है ना वो रेस्ट पे होना चाहिए। हम बोले अच्छा, अब मूव हो जाएगा तो सर, मूव हो जाए तो मैग्नेटिको फोर्स ना आ जाएगा। हम बोले अच्छा हाँ, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का बात किया था, कुल्लम लो तो खलसा इलेक्ट्रिक फोर्स का बात किया था। ठीक 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 बहुत बढ़िया। तीसरका सर, ये दो चार्ज के बीच में जो कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए ना वो 10^-14 मीटर। हम बोले उससे कम हो जाएगा तब, उससे कम हो जाए तो सर न्यूक्लियस का इंटरेक्शन होने लगेगा। हम बोले ठीक ठीक ठीक, फिर कुल्लम लॉ नहीं लग पाएगा। तो इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्ज शुड नॉट बी लेस देन इससे 10^-14। याद हुआ, पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट, डिस्टेंस 10^-14। याद कर लीजिए, पॉइंट चार्जेस के लिए एट रेस्ट होना चाहिए, डिस्टेंस 10^-14 मीटर। बस तीन को पॉइंट बोल दिए एकदम लड़का सा, तुरंत लिख लिया ये लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। चलिए मजा आया, एक नंबर। चलिए तो एक क्वेश्चन आज हम लास्ट में जाते जाते कर देते हैं, तो चलिए एक क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, व्हेन टू चार्जेस एट सर्टेन डिस्टेंस, कुछ होगा एट सर्टेन डिस्टेंस केप्ट कहां पे, केप्ट इन एयर या वैक्यूम, सब ठीक है ठाक है बताए थे ना, केप्ट इन एयर, देन द फोर्स बिटवीन देम इज 81 न्यूटन। ठीक है, व्हाट विल बी फोर्स, माने इलेक्ट्रिक फोर्स, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन फोर्स इफ द चार्जेस केप्ट इन वॉटर। मजा आ गया, उतार लीजिए। When two charges at certain distance kept in air, then the force between them is 81 newton, right? So what will be effect on force if the charges kept in water? The charges are kept in water. तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को, समझते हैं क्या बोला है। ठीक ठीक समझते हैं, बोला है कि जब दो गो चार्ज Q1 और Q2 था, दो गो चार्ज Q1 और Q2 था, एट सर्टेन डिस्टेंस, लेट से आर, सर्टेन कुछ डिस्टेंस होगा मान लेते आर है, जब इसको हम रखे थे ना एकदम हवा हुआ में, एकदम हवा बह रहा था दोनों के बीच में, हम सब दोनों का बाल एकदम उड़ रहा था, हवा बह रहा है, दोनों चार्ज का बाल उड़ रहा है पूरा, तो दोनों के बीच में
फोर्स जो है वो बोला है कितना है 81 न्यूटन। कहानी क्लियर, दो गो स्टोरी में ही बटा हुआ है, दो गो स्टोरी का ये जो क्वेश्चन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू स्टोरीज, दो गो कहानी में बट गया है। पहल का कि दो गो चार्ज के बीच में एयर था तो कितना फोर्स लगता था, अब वहीं दोनों चार्ज को फेंक दिए पानी में, इफ इट इज थ्रोन इन टू वॉटर देन वॉट विल बी द इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब दोनों चार्ज को पानी में फेंक दिए, मतलब कैप्टन मीडियम, तो फोर्स पे क्या असर पड़ेगा, क्या अभी भी एकासी होगा या घटेगा या बढ़ेगा। दो गो चार्ज हवा में रखे तो इनके बीच का फोर्स 81 न्यूटन, लेकिन दोनों को पानी में रख देंगे तो अब पहले बता चुका है अब तो उतना फोर्स नहीं ना लगा पाएगा पानी में। हवा में तो एकदम फोर्स लगा लगा के मारा पीटी कर रहा है, एकदम फोर्स लगा रहा है 81 न्यूटन का दोनों, लेकिन जैसे ही पानी में जाएगा तो फोर्स ऐसे लगाना चाहेगा पानी उसको रोक लेगा, एकदम इसको अपोज करेगा फोर्स को, तो कुछ कम हो जाता है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, देयर मस्ट बी डिक्रीमेंट इन फोर्स, ऐसा फीलिंग हो रहा है हमको। अब क्या पता क्या कहानी है, ऐसा तो हमको तो फीलिंग हो रहा है हम कैसे फेल किए कि हम हवा में लड़ाई सब अच्छा कर ले रहा है ना, लेकिन पानी में छोड़ देते तो लड़ाई नहीं कर पाता, क्या फोर्स घट जाता है तो मारे नहीं पाता, फोर्स घट गया तो मारे नहीं पाएगा। अरे फोर्स क्या होगा वो बात करते, चलिए क्वेश्चन नोट कर लिए, आइए बात किया जाए। तो हम दो स्टोरी में तोड़ते हैं, पहले का अगर Q1 है Q2 चार्ज है, सर्टेन डिस्टेंस R मान लेते हैं, इनके बीच जो है मीडियम है एयर है, तब जब फोर्स एयर में कितना बोला है क्वेश्चन में, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, अपने से हम कुछ नहीं ले रहे हैं, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन विच इज इक्वल टू 81 न्यूटन। अभी मत बोल दीजिए कि अपने से काशी लिख दिए, इट इज गिवन द क्वेश्चन है ना, तो यू कैन रीड आउट फ्रॉम द क्वेश्चन कि फोर्स इज गिवन विच इज इक्वल टू 81 न्यूटन, राइट। तो यहां पे ये 81 न्यूटन है जब एयर में रखा गया, तो ये तो पहला स्टोरी, एफ एयर बराबर 81 न्यूटन। अच्छा जब एयर होता है तो आप कैसे लिखते हैं, एफ एयर बराबर, या जब एयर में रहता है तो बताइए फॉर्मूला क्या लिखते हैं, एयर में रहता है तो दो गो चार्ज के बीच में एयर हो, वैकम हो, फ्री स्पेस हो, तो आप कैसे लिखते हैं, 1/4 pi epsilon naught कूलम्स लॉ से Q1 Q2 / r2। तो बहुत बार चर्चा की है जी, तो फोर्स इन एयर इज गिवन विच इज इक्वल टू 81 न्यूटन, राइट, 81। तो एफ एयर इज इक्वल टू 81 लिख दिया इसके जगह पे, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 / r2 इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा, अगर Q1 Q2 आ डिस्टेंस उतना ही को अब जो है इनके इनको कहां रख दिया जाए, वाटर में रख दिया जाए, पानी में रख दिया जाए, पहले तो एयर में रखा गया था तो 81, अब पानी में रख दिया जाए तो फोर्स इन वाटर बराबर हाउ मच, मतलब वाटर में इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा वही निकालना है। तो एफ वाटर बराबर, ठीक है ना, एफ वाटर बराबर, अब जब वाटर होता था तो हम कौन सा फोर्स लगाते थे, जब कोई मीडियम होता था तो कौन सा फोर्स लगाते थे, सर मास्टर फॉर्मूला, हाँ बहुत बढ़िया मास्टर फॉर्मूला, तो जब दो गो चार्ज के बीच में कोई मीडियम होता था, वाटर ग्लास है ना, वाटर ग्लास, कंडक्टर, इंसुलेटर, ठीक है, कपड़ा, क्लॉथ, जूता, चप्पल, ठीक है, बर्तन उर्तन कुछो मीडियम है, देन हम लोग क्या करते हैं, 1/4 pi epsilon naught मास्टर फॉर्मूला, व्हेन एनी मीडियम इज देयर दैट इज वाटर, बताए थे रिलेटिव परमिटिविटी में,
Q1 Q2 by R square, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब दोनों को हम मार देते हैं भाग, भाग मार दीजिए, कामे कहानी खत्म हो जाएगा। तो चलिए भाग मार दें, तो चलिए देखिए भाग मार रहे हैं जी। तो 81 इक्वेशन फर्स्ट को इधर लिखते हैं, जगह नहीं है, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, ठीक है, भाग मार दें। चलिए तो ये तो कहानी समझ में आ गया। तो अब भाग जब मारेंगे फर्स्ट बट्टा में सेकंड, तो 81 बट्टा में एफ वाटर, एलएचएस का भाग मार दिए, अब आरएचएस का मारिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर इधर में, और होल डिवाइडेड बाय, इसको भाग मारिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। अच्छा एक बात बताइए, पानी के लिए यहीं पे लिख देते हैं, पानी के लिए रिलेटिव परमिटिविटी का मान कितना होता है? जब वाटर है तो रिलेटिव परमिटिविटी का मान क्या होता है? बोलिए, आप 2 मिनट खड़े हैं इसे बोलिए जल्दी। 81 सर, हम बोले बहुत बढ़िया, रिलेटिव परमिटिव लिखा थे ना सर कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर कितना होता है, 81, तो 81 लिख दिए, तो इसके जगह पे 81, तो यहां पे हम लिखेंगे इनटू 81, ठीक है। और Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जो काटना है काटिए, पहले तो यही सब कट गया, फिर ये भी कट गया 1/4 पाई, तो क्या बचा, दिखाई दे रहा है ना, बचा ये कि 81 बाय एफ वाटर और एक ऊपर में कुछ नहीं है ना, सब खत्म, एक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई, ये दोनों तो कट गया, तो इधर में तो 1/81 बचा हुआ है, तो 1/81 बचा हुआ है, तो 81 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इधर लिखते हैं, ठीक है ना, तो इसको ऐसे घेर देते हैं, कंफ्यूजन है तो होगा, यहां से यहां है, फिर दोनों को हम क्या किए हैं, डिवाइड मार दिए हैं, ठीक है ना। तो जब डिवाइड मारे तो चलिए 81/ एफ वाटर इज इक्वल टू, ये चला जाएगा ऊपर, तो बताइए एफ वाटर को उधर फेंकिए, 81 को इधर लाइए, तो 81/81 कितना हो जाएगा, तो एफ वाटर बराबर 81/81 इज इक्वल टू 1 न्यूटन, तो होगा नहीं। तो अब हमको समझ में आया कि जब ये हवा में था दोनों चार्ज, तो उनके बीच में 81 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेकिन जब पानी में रख दिए ना, तो दोनों के बीच में फोर्स जो था वो घट गया, कितना घट गया देख लीजिए, एक हो गया, मतलब 81 टाइम्स घट गया, इतना कम हो गया सर, हम बोले हाँ होता ही है, पानी में रखिए तो फोर्स घट ही जाएगा, तो ये देखिए 1 न्यूटन हो गया। तो ये था कुछ आज का एक न्यूमेरिकल, कल हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें क्वेश्चन पूछता है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना, वेक्टर में कैसे इसको दिखाया जाता है, मजा आया क्लास, सर एक बार बोल लीजिए फिर से लिमिटेशन, हम बोले ठीक है, पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, पॉइंट चार्जेस शुड बी रेस्ट तब एप्लीकेबल है, डिस्टेंस कम से कम 10^-14 मीटर, और उसके बाद एक क्वेश्चन आज करवाए, तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए, वीडियो को भेजते रहिए, उन्हें घुमाते रहिए, चाहे कि फायदा उठा ले एकदम एक दो को लड़का, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, जो नहीं जानता अभी बोल रहे हैं, बताइए इंग्लिश मीडियम में, जो नहीं जानता है एकदम स्टार्टिंग से आ जाए, क्लास 1 से एकदम जबरदस्त उसको समझ में आ जाएगा, फिजिक्स में एकदम टॉप मार जाएगा वो बिहार बोर्ड में, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।